थैंक्स यार, आप मेरे वीडियोस का वेट करते हो। सो आज के इस वीडियो में Xiaomi Mi 11 आए और इस वीडियो के अंदर हम टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि गाइज, आपको इस फोन में ना बहुत सारे फीचर भर भर के देखने को मिलते हैं, बट कुछ फीचर्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसमें एक आता है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट कैमरा, उसके अराउंड आप रिंग लाइट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो और जितना आपका बैटरी परसेंटेज बचा है उतना ही ये कैमरा के अराउंड रिंग लाइट में शो करेगा। तो बैटरी कितना है, क्या नहीं, कम ज़्यादा, सब कुछ यहाँ पे दिखता रहेगा यहाँ पे प्रैक्टिकली। तो ये मुझे बेस्ट लगता है, ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके साथ यार, आप सिस्टम सेटिंग में भी जाते हो तभी भी ये काम करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस फोन में ना कुछ आपको ऐप्स नोटिफिकेशन भेजते हैं बार बार, उनको कैसे डिसेबल करना है, सिस्टम के ऐप कैसे डिलीट करना है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको करनी है। जैसे कि यहाँ पे गाइज, आपको गेट ऐप नाम का एक ऐप देखने को मिलता है इनका, और ये बार बार नोटिफिकेशन भेजता है। तो इसको क्या कीजिए, इसको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, बट इसके ऐप इन्फो में आइए, क्लियर डेटा कीजिए। क्लियर डेटा करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको सबसे पहले बंद करके रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि आप Xiaomi के मतलब इस फोन में कुछ सिस्टम ऐड्स है इनको बिल्कुल यूज़ नहीं करते, तो उनको अनइंस्टॉल करना चाहिए, तो आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे स्कैनर देखने को मिलता है, ये देख सकते हो, इस स्कैनर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो जो बिना काम का है। उसके बाद ये नोट्स ऐप देखने को मिलता है, इसको भी गाइज आप वन क्लिक से अनइंस्टॉल कर सकते हो, उतना ही आपका इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे फ्री हो जाएगा। मी पे नहीं जाता है, मी क्रेडिट ये तो जाना चाहिए, मी क्रेडिट, ऐसे आप सिस्टम के ऐप्स अनइंस्टॉल कर सकते हैं। म्यूजिक नहीं जाता, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका मेमोरी मतलब फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करनी है। आपको आना है यहाँ पे सिक्योरिटी में, कहा गया पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद नीचे आना है गाइस आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ग्लांस फॉर मी का ऑप्शन देखने मिलता है, और इसको गाइस ये ऑन रहता है, इसको पूरा कंप्लीटली बंद कीजिए। ये क्या करता है गाइस, ये आपके बैकग्राउंड में आपका डेटा खाता रहता है और आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर के जो वॉलपेपर है उनको चेंज करता रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये डॉग दिख रहा होगा, ये कैसे आया, इस ग्लांस के वजह से ही आया। फिर मैंने लॉक स्क्रीन पे डाल के फिर लॉक को खोला, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी दूसरा ही यहाँ पे एनिमल आ चुका है। तो ऐसे क्या करता है, पीछे लॉक स्क्रीन के ऊपर के वॉलपेपर चेंज करता रहता है, इसकी वजह से डेटा भी चला जाता है और बिना काम का मतलब कुछ काम का ही नहीं है फीचर। तो इसको यार पूरा कंप्लीटली आपको बंद करके रखना चाहिए। नेक्स्ट टिप्स है बैटरी सेविंग के लिए। आप अपने सेटिंग में आना, वाईफाई सेटिंग में आना, यहाँ पे गाइस आपको वाईफाई असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आना, सिलेक्ट बेस्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली, इसके ऊपर आपको डिसेबल कर देना है। ये क्या करता रहता है, वाईफाई को बैकग्राउंड में स्कैन करता रहता है, इसके वजह से भी बैटरी ड्रेन का इशू आता है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है बैटरी सेविंग के लिए। अब अपने बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आइए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गलती से परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, फ़ोन हाई परफॉर्मेंस मोड पे चला जाएगा, सीपीयू के ज़्यादा कोर पावरफुली यूज़ हो जाएंगे, इसके वजह से बैटरी ड्रेन हो सकता है। तो ये चेक करना कि बैलेंस के ऊपर है कि नहीं। नेक्स्ट सेटिंग है बैटरी सेविंग के लिए। यहाँ पे आना गियर आइकन के ऊपर, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अपना इंटरनेट डेटा हमेशा ऑन करके रखते हैं बट आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे, आपने फ़ोन को लॉक करके अपने पॉकेट में डाल दिया, तभी इंटरनेट का कुछ भी यूज़ नहीं है, तभी क्या होगा, आप 5 मिनट के ऊपर सेट करते हो तो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका डेटा बंद हो जाएगा। जो भी बैकग्राउंड में जो ऐप्स डेटा खा रहे थे या इंटरनेट का यूज़ कर रहे थे, उसके वजह से इंटरनेट का डेटा भी बच जाएगा आपका, और जो बैकग्राउंड में ऐप्स डेटा खा रहे थे उसके वजह से जो बैटरी ड्रेन होता है वो भी सेविंग हो जाएगा। तो इसको भी आपको जरूर यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। फिर नीचे गाइस आपको बैटरी ड्रेन का नोटिफिकेशन वगैरह देखने मिलता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐप बैटरी सेवर के ऊपर भी आते हो तो पर्टिकुलर एक ऐप को आप यहाँ पे पुट ऐप टू स्लीप के ऊपर भी डाल सकते हो या सेव पावर मोड के ऊपर डाल सकते हो। सेव पावर मोड के ऊपर डालने के बाद जब भी ऐप को आप यूज़ करोगे तभी वो इंटरनेट यूज़ कर पाएगा। तो ऐसे कुछ ये यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलते हैं, इनका आप जरूर यूज़ करके आप अपने फ़ोन का बैटरी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे फीचर आपको क्विक टॉगल में देखने को मिल जाते हैं, और ये जो नया क्विक टॉगल है यही एक फीचर है, इसको चेंज करके आप ओल्ड वाला रख सकते हो। सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में आना है, नीचे आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ओल्ड वर्जन चूज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको ओल्ड वाला देखने को मिल जाएगा, बट मैं ज़्यादा प्रेफर नया वाला करता हूँ, नया लुक यहाँ पे देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको सेटिंग का आइकन देखने को मिलता है और यहाँ पे एडिट का, इसके ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे जो मिसिंग टॉगल्स है ये सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि परफॉर्मेंस मोड, वन क्लिक से यहाँ पे मैं इसे लेके आया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस मोड आ चुका है, क्लिक किया परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप गेमिंग वगैरह खेल सकते हैं। बाकी यहाँ पे गाइस और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे गाइस रिजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिलता है,
कहने का मतलब है कि इस फोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं BGMI का वगैरह या PUBG का वगैरह, बट दिक्कत है कि जो सिस्टम सोर्स है, साउंड सोर्स है, वो सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर लेता है बट आपका माइक्रोफोन आप जो बोलते हो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। सिस्टम साउंड प्लस जो माइक्रोफोन वाला ऑप्शन अभी भी इस फोन में आपको देखने नहीं मिलता। बाकी फ्रेम रेट वगैरह आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, तो ऐसे कुछ ऑप्शन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको देखने में मिल जाते हैं। उसके बाद वन क्लिक डार्क मोड भी देखने मिलता है, जस्ट क्लिक किया यहाँ पे डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस आपको फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन देखने मिलता है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे आप मान लो कुछ ऐप्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आया फ्लोटिंग विंडो में, इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद ये फ्लोटिंग विंडो में आ जाएगा। तो इधर उधर मैं मूव इसको कर सकता हूँ, तो ये फीचर है, तो इसको आप इजीली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर थे जो आपको क्विक टॉगल में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, सबसे पहले वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन देखने मिलता है। तो ऐसे कुछ वॉलपेपर आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ वॉलपेपर है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिल जाते हैं, ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे गाइस अभी जो करंटली मैं वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको चाहिए तो मुझे मदन गायकवाड़ टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी गाइज यहाँ पे बात करें और सेटिंग्स की, तो यहाँ पे गाइज आपको देखने मिलता है मेन सेटिंग। मेन सेटिंग के अंदर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे रख सकते हो, आपको पेज अलग अलग देखने मिलते हैं, रोटेट, क्यूब, क्यूब में रखते हो तो वन पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए अलग लेवल का यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे कुछ आप 3D टाइप इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो पेज टू पेज। उसके बाद आते हो गाइस यहाँ पे आप होम स्क्रीन लेआउट, तो यहाँ पे 5x6 का रेशियो रख देना, तो ऐसे 5 ऐप आपको देखने मिल जाएंगे, ऐसे 6 देखने को मिल जाएंगे मेंस इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे कुछ लेआउट कस्टमाइज करने का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। बाकी मेन सेटिंग तो आपको यहाँ पे मोर में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गाइज यहाँ पे होम स्क्रीन, यहाँ पे गाइज ऐप ड्रॉवर रखना, क्लासिक मत रखना, ऐप ड्रॉवर रखोगे तो ऐसा ऐप ड्रॉवर आपको देखने को मिल जाएगा। यार ये हर बार चला जाता है, इसको फिर से जाना पड़ेगा, सेटिंग मोर। उसके बाद जो माइनस स्क्रीन है, माइनस वन स्क्रीन, इसको गूगल डिस्कवर रख देना, जैसे कि मैंने रखा तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा यहाँ पे गूगल का न्यूज़ आ जाएगा। जो भी मैं सर्च करता हूँ देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा, टेक रिलेटेड मैक्सिमम देखता हूँ तो वही चीज़ें यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे वहाँ पे आपको वही रखना चाहिए। उसके बाद नीचे भी कुछ ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं, सिस्टम नेविगेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ये जस्ट सिस्टम रखा है, यार भाग गया यार क्या नौबत है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम, यहाँ पे बटन भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे बटन शो हो जाएंगे, बट मैं जैसे सिस्टम यूज़ करने के लिए आपको बोल दूंगा, मतलब बोल रहा हूँ जैसे सिस्टम यूज़ करना ज़्यादा किफ़ायती रहेगा, तो यूज़ ज़रूर यहाँ पे कर लेना। बाकी फिल सेल्स ऑफ अनइंस्टॉल ऐप्स, इसके ऊपर क्लिक करना, जो भी बीच में यहाँ पे कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हो, ये जो बीच में गैप फिल रहता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद नीचे और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे गाइस आपको आइकन साइज लेआउट का ऑप्शन देखने मिलता है, इसको भी आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हो, बड़ा छोटा, मैं तो छोटा ही रखता हूँ, बड़े करके क्या फ़ायदा यार। उसके बाद यहाँ पे होम स्क्रीन लेआउट, जैसे कि 5x6 बोला वही रखना, ग्लोबल आइकन एनिमेशन के ऊपर भी आपको क्लिक करके रखना है। उसके बाद गाइस अरेंज आइटम इन रिसेंट्स, ये आपको जो आपका क्विक आपका रिसेंट मेनू है ये हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अरे कुछ ओपन ही नहीं किया मैंने, ओके यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, ओए हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल स्टाइल में आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है वो भी यहाँ पे सेट करके रख सकते हो, जो आपका हॉरिजॉन्टल स्टाइल में देखने को मिलता है, ये सॉरी वर्टिकल स्टाइल में देखने को मिलता है, वर्टिकली कुछ ऐसा देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टली कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है आपका रिसेंट मेनू, तो इसको भी यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलता है शो मेमोरी स्टेटस, आपके रिसेंट में ये शो होता रहेगा ऊपर के साइड में, जैसे कि देख सकते हो कितना आपका रैम बचा है आउट ऑफ 6GB, यहाँ पे शो होता रहेगा, तो ये शो करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और नीचे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलता है ब्लर ऐप प्रीव्यूज़, तो इसमें क्या होता है कुछ ऐप्स को आप सिलेक्ट करते हो तो वो ऐप आपके रिसेंट में ब्लर होंगे, जैसे कि मान लो मैंने गैलरी को सिलेक्ट किया है, गैलरी को ओपन किया और यहाँ पे मैं आया रिसेंट में, तो गैलरी ब्लर हो जाएगा, तो ऐसा ये ऑप्शन है, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऑप्शन आपको होम स्क्रीन सेटिंग के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस मेन सेटिंग के अंदर भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं और इनको जरूर यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो गाइस क्या है कि इस फोन में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने मिलता है, तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने मिलता है, तो इसको जरूर आपको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑलवेज ऑन स्क्रीन देखने मिलते हैं, कोई भी एक पकड़ लेना, इसके ऊपर आना,
यहाँ पे कस्टमाइज मतलब सेव ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना कस्टम भी बना सकते हैं आपको जो पसंद आता है। सिर्फ यहाँ पे आपको गैलेंसी फोटो उठा के चिपका के यहाँ पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद ऐसे लॉक स्क्रीन पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा यहाँ पे दिखता रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसा कुछ ये फीचर है। और यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो इसमें आपको एनिमेशन भी चलता हुआ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि साइड साइड में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती, तो ये एज अ नोटिफिकेशन लाइट आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत मस्त चलता है। तो इसको भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। स्लीप टाइम यहाँ पे 1 मिनट रखना, इससे ज़्यादा रखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगा। राइज टू वेकअप का भी फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने फ़ोन को ऐसे रख दिया, उसके बाद ऐसे जस्ट टिल्ड कर दिया तो यहाँ पे ये वेकअप हो गया। तो ऐसा कुछ ये फीचर है। डबल टैप टू वेकअप का भी फीचर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जस्ट डबल टैप किया तो यहाँ पे स्क्रीन वेकअप हो जाएगा। तो ऐसे कुछ फीचर है। लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप एक ये इस लॉक स्क्रीन फॉर्मेट से बोर हो रहे हैं तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो जो आपको पसंद आए। उसके बाद तगड़े फीचर आपको डिस्प्ले सेक्शन के अंदर भी देखने में मिलते हैं। सबसे पहले डार्क मोड तो मैंने आपको बताया, बट इसका शेड्यूल भी आप रख सकते हो टाइम के हिसाब से, सनराइज सनसेट के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद नीचे गाइस आपको ऑप्शन देखने मिलते हैं रिफ्रेश रेट, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज पे सेट होता है, इसको 120 हर्ट्ज कर देना, उसके बाद और स्मूथ फोन आपको फील हो जाएगा। नीचे फॉन्ट वगैरह देखने मिलते हैं, फॉन्ट वगैरह इस फोन के आप चेंज कर सकते हो ईजिली, बाकी बताऊंगा थीम सेक्शन के अंदर। उसके बाद कंट्रोल सेंटर एंड टेटस बार में आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट का स्पीड शो करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। जब भी आप नेट को ऑन करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरनेट का स्पीड यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी बैटरी इंडिकेटर का भी ऑप्शन देखने मिलता है, बैटरी विथ परसेंटेज ही रखना, इससे आपका टेटस बार पूरा नहीं भरेगा, कुछ एम्प्टी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। हाइड नॉच वगैरह ये ज़्यादा मैं ऑप्शन आपको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में भी कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले नेट को यहाँ पे बंद कर देना, यहाँ पे आना नोटिफिकेशंस में, तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी, जो पसंद आता है वो सेट कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वाइब्रेशन का इंटेंसिटी, तो यहाँ पे हैप्टिक्स इस फोन में कमाल के देखने को मिलते हैं, बट ये जो इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तभी इसका असली मजा आपको पता चल जाएगा, टक 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 वाले फील होते हैं, ये बहुत अच्छा काम किया है, हैप्टिक्स बहुत बेटर देखने को मिलती है इस फोन में। तो इसको ऐसे आप कस्टमाइज करके बढ़ा देना बस यहाँ पे। उसके बाद गाइस यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप आते हो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में, तो यहाँ पे सिस्टम के कुछ जो साउंड्स होते हैं उनको आप बंद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गाइस बात करें स्क्रीनशॉट कहा गया यहाँ पे है, तो ये बंद कर दिया। अभी जब भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो ये बजेगा नहीं, बट ये ऑन रहता है, स्क्रीनशॉट लेते समय साउंड आता है, ये साउंड जो है इसको बंद कर सकते हैं। आपको जो साउंड पसंद नहीं आते उनको यहाँ से बंद कर सकते हैं। बाकी साउंड इफेक्ट्स तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है Xiaomi का, वो है थीम्स। हाँ गाइज, थीम सेक्शन में आके पूरा फोन का लुक ही आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम देखने को मिलते हैं। और आई थिंक अभी MIUI ही इतना स्ट्रांग वेस होगा जिसमें थीम्स प्रॉपरली सपोर्टेड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, और आपने 3-4 थीम डाउनलोड कर लिए तो किसी एक थीम का स्टेटस बार, किसी एक थीम का सेटिंग का इंटरफेस, ऐसे करके आप कस्टमाइज थीम भी कर सकते हैं। और ये 6 ऑप्शन देखने मिलते हैं अलग अलग थीम से उठा के, उसका एक कंबाइंड थीम भी आप बना सकते हो। तो या थीम के लिए आपको फ़ोन लेना है या थीम आपको यूज़ करना है तो आप Xiaomi के फ़ोन जरूर रेफर कर देना, क्योंकि इसमें यार थीम्स बहुत अच्छे से यहाँ पे चलता है। बाकी गाइस यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलते हैं आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ से आप अपना फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हो इजीली, यहाँ पे ऐड कर देना, और या फिर फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन मेथड पे उसके ऊपर आपको टच करना है, प्रेस करने की नौबत ही नहीं आएगी, जस्ट टच किया तो यहाँ पे ये फोन अनलॉक हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऐप लॉक का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है, आगे मैं आपको बताऊंगा ही। उसके बाद नीचे आते हैं गाइस, यहाँ पे देखने मिलता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लोकेशन कौन कौन से ऐप्स यूज कर रहा है, तो यहाँ पे पूरा क्लियरली शो करेगा किसको आपने लोकेशन का परमिशन दिया है, कॉन्टैक्ट कौन कौन से ऐप्स यूज कर रहे हैं, ऐसे पता चल जाएगा। तो किसी ऐप को हटाना है तो यहाँ से आप इजीली हटा सकते हैं, यहाँ पे उसका जो परमिशन है डोंट अलाउ यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्राइवेसी भी ये मस्त फीचर है, जरूर यूज कर लेना। उसके बाद आते हैं ऐप्स में, तो ऐप्स में आपको बहुत सारे फीचर देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइस आते हो आप ऐप लॉक में, तो ऐप लॉक करके आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऐप के ऊपर लॉक यहाँ पे दे सकते हो, तो ये फीचर आप जरूर यूज़ कर लेना, ये पूरा आपको ऐप लॉक के अंदर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप जो ऐप्स है उनको फिंगरप्रिंट भी एज अ ऐप लॉक सेट कर सकते हो। ड्यूअल ऐप्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप ड्यूअल ऐप्स क्रिएट कर सकते हो एक सिंगल ऐप्स के, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी ऐप हो, उसके ड्यूअल ऐप्स आप
यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ऐसे कुछ ऑप्शन आपको ऐप सेटिंग में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे नीचे आते हैं, कुछ ऑप्शन देखने मिलते हैं, जैसे गाइज यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर भी बहुत सारे फीचर है, जैसे कि जेस्चर शॉर्टकट्स वगैरह ये आप यूज़ कर सकते हो, टेक स्क्रीन शॉट थ्री फिंगर्स या पावर बटन ये ऑप्शन है, इसको इनेबल जरूर कर लेना। लंच कैमरा वगैरह देखने मिलता है, फिंगर डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पे कुछ एक्शन आपको करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं रख देता हूँ यहाँ पे टर्न ऑन टॉर्च के ऊपर, डबल टैप करता हूँ तो टॉर्च ऑन होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसे कुछ फीचर देखने मिलते हैं, इसको आप इजीली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्विक बॉल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वन हैंड मोड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, जैसे करोगे बट यहाँ पे आपको नेविगेशन गेस्चर यूज़ करने पड़ेंगे, नेविगेशन बटन यूज़ करने पड़ेंगे, उसके बाद ये प्रॉपरली यूज़ होता है। बाकी मेरे को तो यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरा हाथ ही बड़ा है। उसके बाद मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर यहाँ पे देखने मिलता है, तो 2 GB रैम आप एक्सटेंड कर सकते हो, 6 GB प्लस 2 GB, मतलब टोटल 8 GB होगा, बट ये इतना काम का नहीं है जैसे कि मेरे यूजेस के अकॉर्डिंग, बट आप यूज़ कर सकते हैं, आपको ट्राई करना है तो। उसके बाद फेशियल फीचर में भी बहुत सारे फीचर देखने मिलते हैं, बट इनमें से मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है गाइस यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स। सबसे पहले गेम टर्बो भी आप इनेबल कर सकते हो, अलग अलग गेम टर्बो के फीचर यहाँ पे देखने मिलते हैं, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो हाई परफॉर्मेंस मोड के ऊपर क्लिक कर देना, इससे गेमिंग का परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगा। तो सबसे मेरा फेवरेट है वीडियो टूल बॉक्स। तो यहाँ पे गाइस बस वीडियो टूल बॉक्स को इनेबल करना है, मैनेज ऐप्स के ऊपर आना है, यहाँ पे एक ऐप्स सेट कीजिए, यूट्यूब को मैंने सेट कर लिया, यूट्यूब को ओपन कर लिया, तो यहाँ पे गाइस एक बार आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह, यहाँ से आप फ्लोटिंग ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ट्विटर के ऊपर, तो इसके साथ यूट्यूब देखते देखते मैं ट्विटर भी यूज़ कर पाऊँगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे कुछ ऑप्शन है जो आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स में। उसके बाद उसके नीचे भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि फ्लोटिंग विंडो पहले बताया, सेकंड स्पेस क्रिएट कर सकते हो, लाइट मोड यार बिना काम का है, इतना यूजेबल नहीं है, इसको यूज नहीं करना चाहिए आपको। अब मुझे पता है कि आप फाइनली अपने कैमरे के अराउंड रिंग लाइट इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है इसका वेट कर रहे होंगे, तो इसको कैसे इनेबल करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में आने के बाद एनर्जी रिंग ये ऐप डाउनलोड करना है, इसके जो डेवलपर है क्रिएटिव फोटो टूल, इनका ये ऐप है, ये आपको डाउनलोड करना है, ओपन कर लेना है, और जो भी गाइज परमिशन मांगता है जैसे कि डिस्प्ले ओवर सेटिंग वगैरह उसका परमिशन मांगता है, इसको आपको अलाउ करना है। उसके बाद गाइज ये इनेबल हो जाएगा, और इनेबल होने के बाद यहाँ पे गाइज आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल आ चुका है, इसको आपको सिंगल सर्कल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद इसका पोजिशन आपको ऐसे हॉरिजेंटली वर्टिकल करके अपने कैमरे के अराउंड यहाँ पे करेक्ट लेके आना है, साइज कम ज़्यादा आप कर सकते हो अपने हिसाब, अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, या आपको जो ठीक लगता है वो साइज यहाँ पे आप रख सकते हो। उसके बाद 0 to 50% कौन सा यहाँ पे कलर चाहिए इसको भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया थोड़ा सा रेड या पीला टाइप, तो ये 0 to 50 ऐसे कलर शो होगा, फिर 50 to 100 कौन सा कलर सेट करना है, ऐसे करके यहाँ पे आप इजीली कलर सेट कर सकते हो। उसके बाद इस ऐप को आपको हमेशा काम करवाना है या बैकग्राउंड में चलाना है, तो एक चीज़ करनी पड़ेगी, सबसे पहले इसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, इसके ऐप इंफो में आना है, ऑटो स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक करके रखना है, तो ये हमेशा आपके मेमोरी में रहेगा और ये ऑटोमेटिकली डिसेबल नहीं होगा। बाकी ऐप ऐसे ऐप को लॉक भी कर सकते हो यहाँ पे, तो इससे भी ये सेफ रहेगा, रिसेंट से भी नहीं गायब होगा, उसके बाद ये हमेशा काम करता रहेगा और ज़्यादा बैटरी ड्रेन भी नहीं करता है। सो गाइस ये ऐसे थे इस फोन के टिप्स एंड ट्रिक्स, मुझे कमेंट करके बताना आपको ज़्यादातर कौन से पसंद आए, और क्या इस फोन को आपने बाय किया है कि नहीं, या आप बाय करने का प्लान कर रहे हो कि नहीं, नीचे जरूर कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।